तो गाइस हम पहुंच गए हैं होटल के रूम में, होटल बोधी स्टे। सो दिस इज द चीपेस्ट एंड बेस्ट होटल अभी हाँ, तक। सामान इज़ ऑल पैक्ड। कल मैं कुछ अपने स्पून्स वगैरह भी लेके आई थी ऊपर वॉश करने के लिए। नाश्ता किया था ना, सो वॉश नहीं हुए थे। डिस्पोजेबल्स तो फेंक दिए, बट स्पून्स वॉश करनी ज़रूरी थी। सो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। आज हमने घूमना है बोध गया। यार कभी सोचा नहीं था बोध गया तक पहुँच जाएंगे और बोध गया घूमेंगे। ग्रेट। वहाँ पे सुना है कि माँ बोधि टेम्पल जो है, जो कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वहाँ पे अंदर फोन्स अलाउड नहीं है। बाहर से आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, बट फोन्स यू हैव टू सबमिट। कैमराज वगैरह अंदर अलाउड नहीं है। सो देखते हैं क्या होता है एंड चलिए चलते हैं। फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, पहाड़ों से नीचे आके ना गर्मी तो यहाँ पे बहुत ज़ोर की लग रही है यार। पता चल रहा है धूप। कल हमने होटल का नाम आपको नहीं बताया था। सो दिस इज़ द होटल नेम बोधी स्टे, जहाँ हम रुके थे। पानी भरवाया अभी यहाँ से फ्रेश वाटर पीने के लिए, जितना अवॉइड हो सकता है भाई। पैकेट वाटर अवॉइड कर रहे हैं, फ्रेश वाटर पीने की कोशिश कर रहे हैं। कितना टाइम पैकेट वाटर पी लोगे ना इतने बड़े ट्रिप पर। गोली की हालत कुछ इस तरीके की हुई हुई है, एक महीने से बेचारी साफ नहीं हुई है। पहुंच गए ये बुद्धा स्टैचू तक। हमारा होटल एक्चुअली हमने पास में ही लिया था, सो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू अ न्यू डे। वेलकम टू द चैनल फ्रॉम बोध गया। सामने आप देख रहे हो बुद्धा स्टैचू। सैडली आज ये बंद है, फॉर वॉट रीजन वी डोंट नो। वेनसडे एंड संडे, आज गौरव इज सेइंग, गौरव ने पूछा किसी से, सो इट्स क्लोज्ड। बहुत सुंदर बुद्धा स्टैचू लग रहा है यार ये। मेटा बुद्धराम मठ है ये जो हमने अभी देखा, जहाँ बुद्धा स्टैचू आपने देखा व्हाइट कलर का, बहुत सुंदर स्टैचू था। सो दिस इज अ बोट बाय बिहार टूरिज्म। कैसा लगा गौरव? बस एक चीज रह गई, इतनी दूर से आए हुए अंदर नहीं जा पाए। हमें क्या पता, हमें तो पता नहीं था ना। अंदर स्टेयर्स पे ड्रैगन्स बने हुए थे, साइड में रेलिंग जैसे बनी होती है ना स्टेयर्स की, वैसे ड्रैगन बने हुए। चाइना का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। हाँ भाई, बुद्धा जो थे ये चाइना में नहीं, नेपाल में आए थे ना, कहाँ पे आए थे? बोध गया में ही तो हुआ था उनका एनलाइटनमेंट। तो इंडिया का ही है भाई ये। नेक्स्ट क्या है? मेडिटेशन सेंटर, ये भी बंद है। अब देखते हैं क्या है। ये कोई, ये थाईलैंड वाला है। इसी लाइन में सारे जापानीज टेंपल भी हैं, चाइनीज टेंपल भी हैं, थाईलैंड टेंपल भी है। ये तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और पसीने आने लग गए हैं। आगे थ्रू आउट द डे क्या होने वाला भाई पता नहीं। गौरव अजीब सा नहीं लग रहा? पहाड़ों के 5 डिग्री 10 डिग्री से हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे 36 डिग्री आ गए हैं। ये है सांस्कृतिक केंद्र बोध गया, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र। ये है बुरी पुलाव हॉस्पिटल एंड मेडिटेशन सेंटर। सब आई थिंक इसी लाइन में ही है। ये सिटी सेंटर है। हाँ सिटी सेंटर है। सुबह सुबह का टाइम है ना, 8:30 हो रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक नहीं दिख रहा। नहीं तो यहाँ पे जो कल ट्रैफिक आपने देखा उस तरीके का ट्रैफिक होता है। पता नहीं, ये सरोवर पार्क बगल में पार्क है। 80 फीट स्टैचू बुद्धा का यहाँ पे है। सारी जगह यहाँ बुद्धा टेम्पल ही है और इतने सारे हैं कि भाई आप देखते देखते थक जाओगे। हर कंट्री का एक है। ये आपको ये दिख रहा है, ये अभी यहाँ पे एक है। इसी लाइन में अभी पीछे की साइड यहाँ पे भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल भी निकला है। जैसा कि बताया यहाँ पे थाईलैंड का भी है, भूटानीज भी है, सो बहुत सारे हैं। है कर्मा मंदिर, दिस इज अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। थोड़ा सा आगे से जाके देखते हैं कैसा है। बहुत बढ़िया लग रहा है यार। सब कुछ एक ही लाइन में, एक लाइन में घुस जाओ और लेफ्ट राइट घूमते रहो बस। ये आ गया ना ग्रेट बुद्धा।
यहाँ पे है ग्रेट बुद्धा स्टैचू बड़े वाला। बस अभी पीछे सब जगह टेम्पल्स ही टेम्पल्स हैं। ये स्टैचू कितना बड़ा है यार, मतलब आपको कैमरे में छोटा लग रहा है, लिटरली देखने में बहुत बड़ा है। बहुत सुंदर है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गया यार, बहुत बढ़िया जगह है। देखो कितना बड़ा स्टैचू बना रखा है यार बुद्धा। गौरव कुछ बोल रहे हैं भाई, गौरव क्या बोल रहे हो? ये सारा जापानीज में लिखा है यार, ये पढ़नी आती है जापानीज यार, ये कांजी है, मुश्किल होती है कांजी पढ़ना। गौरव ने बिजनेस कोर्स किया हुआ जापानीज में, मुश्किल होती है कांजी। What I can make out is जो postures monks ने लिए हुए हैं ना, शायद उनका नाम लिखा हुआ है। कैसा लगा गौरव? यार बहुत बढ़िया है यार ये। ओ भीड़ आ गई भाई, चलो 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 लौकर लौकर, चलो अब आगे निकलते हैं। हर कंट्री की मोनेस्ट्री है यहाँ पे यार, ये कंबोडियन मोनेस्ट्री है, कंबोडियन मोनेस्ट्री बोधगया। इस तरफ की ये है पालियुंग नमट्रोलिंग मंदिर, ठीक है। अभी ये रेनोवेशन के लिए बंद पड़ा है। जगह जगह पे ऐसा मोनेस्ट्री है जगह। गर्मी की ज़रूरत, अपना बंटा बंटा तो नहीं है यहाँ पे, ये बिस्लेरी क्लब सोडा है। गाड़ी में वापसी आ गए हैं क्योंकि यहाँ से महाबोधि टेंपल जा रहे हैं। रश यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, अभी 9 बजे हैं। फटाक से निकलते हैं और फटाक से आते हैं, नाश्ता करते हैं और जाते हैं आगे वाराणसी की तरफ। ये है इंडोसान निपोंजी जापानीज टेम्पल। भाई अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, सॉलिड गर्मी हो रही है यहाँ पे ना। सब कुछ बस पास पास वाली लाइन में ही है। हमने जहाँ होटल लिया ना वो इसी के पास में था। बहुत बढ़िया। इवन ये देखो रॉयल भूटानीज मॉनेस्ट्री, ये रही। ये है भूटान की मॉनेस्ट्री। भूटान जा तो नहीं पाए भूटान गेट होके आए हैं तो भूटान की मॉनेस्ट्री ऐसे छोड़ दे गोली को इधर पार्क कर दिया बिकॉज महाबोधि टेम्पल रोड के लिए वहाँ पे नो एंट्री है, तो सिर्फ ई रिक्शा ऑटो रिक्शा वगैरह जा सकते हैं। ये सामने हमें दिखी है थाईलैंड की मॉनेस्ट्री, फोटोज क्लिक कराते हैं और महाबोधि टेम्पल चलते हैं। गेट्स वगैरह सब बंद हैं, मॉनेस्ट्री के डोर्स भी बंद हैं, बस यहाँ से ये दरवाजे खोल रखे हैं कि आप फोटो वगैरह ले सको, सो वो ही ले लेते हैं। और ये है थाईलैंड की मॉनेस्ट्री। डाउन हो गया है अब वो, तो यूपी में मास्क
मैंडेटरी हो गई, इंडिया में फिर से रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। सो अब हम जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। वो कहीं बाहर घूमना नहीं है ना, बहुत जगह घूम लो, पूरी दुनिया घूम लो। सो ये गाइस बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। तो एज एक्सपेक्टेड ताइवान कैसे पीछे छूट जाता, तो ये ताइवान का टेंपल है, थोड़ा आगे से दिखाता हूँ। तो ये आपका चाइनीज टेंपल है। एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं महाबोधि टेंपल। दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और नहीं पता था हमें कि बोधगया में इतना कुछ है देखने के लिए। भाई यहाँ पे एक दिन भी कम पड़ेगा। हम तो अभी ब्रश ऑफ कर रहे हैं, टेम्पल्स बाहर बाहर से देख के निकल रहे हैं, बट ये वाले टेम्पल में हम अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पे कैमरा टिकट काउंटर है, 100 रुपीज़ फॉर द स्टिल कैमरा। वीडियो कैमरा के लिए 500 रुपीज़ हैं। एक्शन कैमरा के लिए आपको पूछना पड़ेगा भाई यहाँ पे कितने पैसे हैं, क्योंकि एक्शन कैमरा मेंशन नहीं है। और यहाँ पे फ्री सर्विस है, क्लॉक रूम है, फोन्स यहाँ डिपॉजिट होते हैं, दे गिव यू अ प्रॉपर की ऑफ द लॉकर। एंड वहाँ पे शूज़ वाला है जहाँ पे वो आपको एक पर्ची देते हैं, बट शूज़ आप अंदर भी उतार सकते हो। यार अंदर ही उतारना, बहुत पैर जल जाते हैं, मैं तो भागती हुई आ रही हूँ लिटरली। वो फिर उन्होंने बोला कि आप अंदर भी उतार सकते थे मंदिर कॉम्प्लेक्स में। अंदर तो दिखा नहीं पाए। हाँ ये वाला है टेम्पल, अंदर तो फोन्स अलाउड नहीं है। सो दिस इज द टेम्पल। दो मंदिरों के रास्ते हैं, इस साइड है जगन्नाथ टेम्पल और इस साइड है महाबोधि टेम्पल। सो ये है महाबोधि टेम्पल। अंदर बहुत कुछ अच्छा है देखने वाला, सो वन टाइम विजिट तो बिल्कुल बनता है। कैसा लगा अंदर एक्सपीरियंस? अंदर अच्छा है यार, बट मोबाइल लेने ले जाने नहीं देते वो, इसलिए कि अंदर मेडिटेशन कर रहे हैं और जाप कर रहे हैं। हाँ तो आप अपना कैमरा लेके आओगे तो अलाउ करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है अपना? नेक्स्ट प्रोग्राम बस अब यार खा के निकलेंगे यार। सुबह से नाश्ता नहीं किया है, 11 बज गए हैं, भूख के मारे जान निकल रही है। और गर्मी, टेम्परेचर क्या हो रहा है इस वक्त? 35 डिग्री भाई। पानी भी नहीं पिया, पानी पीना ज़रूरी है। अच्छा अंदर फोन अलाउड नहीं थे, कैमराज अलाउड नहीं थे, तो आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो बोधि ट्री है वो भी अंदर ही है। एंड दैट इज़ अ पीपल ट्री जहाँ पे बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुई थी। एंड वहाँ पे एक ट्री और भी है जहाँ पे वो 6th वीक में अपने मेडिटेट कर रहे थे गौरव, है ना। एंड वहाँ पे एक सरोवर भी है, उसमें वो 3rd वीक में मेडिटेट कर रहे थे जहाँ पे आंधी तूफान आ गया था। एंड देन नाग का नाम क्या था? तो उन्होंने आके उन पे फन डाल के उनको प्रोटेक्ट किया था। एक वो वहाँ पे पूरी मूर्ति बनाई हुई है उस सरोवर में। सो इसी तरीके से था, बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में है, बट ये पैर चल गया यार गर्मी में। फोन अंदर अलाउड नहीं है क्योंकि मॉन्क्स वगैरह वहाँ पे चैंट कर रहे होते हैं, मेडिटेट कर रहे होते हैं। सो इसीलिए दैट्स अ गुड थिंग कि अंदर फोन अलाउड नहीं है। हर किसी की फोन रिंग्स बजेंगी तो फिर डिस्टर्बेंस होती है उससे। बट ये आप अपना स्टिल कैमरा जरूर अंदर लेके जा सकते हो। अभी हमने यहाँ पे रिक्शा कर लिया है 10 रुपीज़ ईच पार्किंग तक। बहुत गर्मी है यार, अब थक गए थे भैया। ये आगे थाईलैंड की वो है ना मोनेस्ट्री, वहाँ रोक देना गाड़ी, वहाँ खड़ा है। ये लाल गाड़ी खड़ा है यहीं पे, यहीं पे। धन्यवाद भैया। हाँ ये खड़ी गोली भाई, गोली की तो हालत ही खराब हो रही है। टेस्ट बड्स देखो बंदे के, बंदे ने यहाँ पे ढूंढ लिया है मगर टेस्टी स्वीट्स, फुली एसी प्योर वेज। बोल रहे हैं कचौरी मिली तो कचौरी खाएंगे। एक वो ले लो, कचौरी मिलता है यहाँ पे? नहीं मिलता। चलो अंदर चल के देखो क्या है। क्या ऑर्डर करने वाले हो यार? जो दिख रहा है वो छोला भटूरा है, पूरी भाजी है, आलू पराठा, तीन चीज़ है बस। छोले भटूरे डालो। छोले भटूरे का साइज ये देखो। गौरव तृप्ति हुई कुछ? जायका स्वाद का जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी खत्म भी हो गया, और मंगवाया है। फाइनली कुछ खाने को मिला। यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन भी मिल रहा है, साउथ इंडियन भी मिल रहा है। सवारी निकली अब अपनी वाराणसी की तरफ। खाना खाया हमने, ये जो मगध आप देख रहे हो राइट साइड पे, जस्ट ऑपोजिट टू दिस थाईलैंड मोनेस्ट्री।
छोले भटूरे खाए हमने सिर्फ, और कुछ ट्राई नहीं किया बिकॉज छोले भटूरे की क्रेविंग हो रही थी। बोध गया यार, अगर आपको सीरियसली बता रही हूँ, कहीं इधर उधर बाहर फॉरेन कंट्रीज में नहीं घूमना ना, सिर्फ बोध गया घूम लो, सारे टाइप की मोनेस्ट्रीज आपको दिख जाएंगी। अब ये कौन सी बन रही है ये नहीं पता, मतलब यहाँ पे हमने इतने कंट्रीज की मोनेस्ट्रीज देखी। इवन यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल भी है अगर जाना चाहो। ये एक और मोनेस्ट्री बन रही है, चाइना की तो पीछे थी, पता नहीं था। मतलब ये था कि भाई बोध गया को अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है हमने। नहीं, लोग तो आते हैं, लोग आते हैं, बट हमें इतना नहीं था क्रेज कि भाई बोध गया, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, लिटरली ऐसा हुआ, ओ बोध गया ऐसा है। और हमारा होटल भी सही जगह पे था, कहीं दूर या आउटस्कर्ट्स में होता ना तो बहुत घूमना पड़ जाता। ये वाला होटल भी अच्छा लग रहा है, द रॉयल रेजिडेंसी। बस एक ही चीज थी कि यहाँ तक पहुंचना बड़ा पेन था। इट वॉज वॉट कॉर पेन और हाँ, अब गौरव को क्लियर हो गया भाई। कल तो बेचारे की एक बत्ती गुम हो गई थी। होटल आर ए रेजिडेंसी, ये भी सही लग रहा है, अच्छा ही है। हाँ, होटल्स डिसेंट है यहाँ पे, अच्छे हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको वेजिटेरियन फूड अच्छा भर भर के मिलेगा, आपके टेस्ट का फूड मिलेगा। जैसा हम स्टार्व कर गए थे ना भाई नॉर्थ ईस्ट में, वो चीज नहीं है यहाँ पे। आपको नॉर्थ इंडियन में मिलेगा, साउथ इंडियन फूड भी मिलेगा प्रॉपर। हर जगह जगह नुक्कड़ कॉर्नर में यहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं। 550 मीटर्स के बाद आपको लेना है NH 22। 11 बजे अभी। In 200 meters, turn left. Thank you for visiting the Holy Land. Come again. जरूर यार, अगर यहाँ पे चक्कर लगा तो हम डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे, इतना सुंदर जगह है। रात को भी हम इस जगह से आए थे, इस गेट से आए थे, बट मैंने कैप्चर नहीं किया था बिकॉज अंधेरा बहुत ज्यादा था।